एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 का आपके पास है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो आप यानी ऑक्टल या बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए 89 का फैक्टर्स 89 की निकालेंगे आप 8 के साथ। तो 8 11 जा 88, 89 में से 88 माइनस करेंगे 1 रह जाएगी। 8 1 जा 8, क्योंकि 11 में से आप 8 माइनस करेंगे 9 10 11, तो 3 रह जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग। तो आप क्या करेंगे, 89 इज इक्वल टू, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सिर्फ और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी 1 3 1 आपका आंसर है। तो आप इसके पास बेस 8 भी लिखेंगे। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 325। तो 325 को भी आपने कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो आप क्या करेंगे, बेस 8 से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 325 के लिए आप 8 से जब फैक्टराइज करेंगे तो इजीली आप ये भी कर सकते हैं कि डिवाइड कर ले। 325 आप लिखेंगे, 8 4 32, फिर यहाँ पे 5 रह जाएगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि 8 40 320, फिर 5 रिमेनिंग होगा। तो यहाँ पे 840 आप लिखेंगे तो माइनस करेंगे, 5 रिमेनिंग होगा। ये भी याद रखे कि 0 से लेकर 7 तक आपके पास रिमेनिंग नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि इसकी बेस 8 है। तो 8 5 40, यहाँ पे 0 रह जाएगी। अब देखें 505 आपका आंसर होगा। आप क्या भी लिखेंगे, 325 इज इक्वल टू 505, यहाँ पे भी आपने लगा दिया बेस 8। अब इसी का आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आप बेस 8 से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 789 आप लिखेंगे, बेस 8 से फैक्टराइजेशन करेंगे। वही मेथड है कि आप अगर तो डायरेक्टली आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं 789 को। तो यहाँ पे 8 को जब आप करेंगे 789 के साथ डिवाइड, तो आप लिखेंगे 8 8 9 72, माइनस करेंगे 6 रह जाएगा। 8 8 64, रिमेनिंग 5 होगा। तो यहाँ पे 898 आपके पास रह जाएगा 784। तो आपके पास रिमेनिंग क्योंकि 5 है तो आप 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 8 से फिर से आप जब इसको डिवाइड करेंगे 8 1 8, 1 रह जाएगी। 8 2 16, 2 रह जाएगा। 8 1 8, क्योंकि 8 2 से आप नहीं कर सकते, तो 8 9 10 11 12, आपके पास 12 के लिए यहाँ पे 4 रिमेनिंग होगा। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे 8 1 8, 12 में से आप 8 माइनस करेंगे 4 बचेगा। तो 789 इसका आंसर आपके पास होगा क्या, 1 4 2 5 1 4 2 5 विद बेस 8। ये करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन का हो चुका है। तो लिहाजा इसके बाकी जितने भी पार्ट्स है आप इजीली अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। इसमें आपको बताया है कि ऑक्टल नंबर्स दिए गए हैं जिसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये इसके लिए भी वही मेथड है कि आप 255 लिखकर पावर्स इसकी लगा देंगे राइट हैंड साइड से। अब 2 क्योंकि पहला नंबर है, मल्टीप्लाई बाय बेस इसकी 8 है तो पावर 2, प्लस नेक्स्ट नंबर 5 है, मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी 8 2 16 गलत है, तो 8 8 64 होगा।
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 वन ज़ा 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 264 ज़ा यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आपका आंसर आएगा। 5 एट ज़ा 40, 5 वन ज़ा 5, तीनों को आप प्लस करेंगे 128, 40 एंड 5। 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 1 कैरी, 4, 5, 6, 7 और 1 यानी 173 विद बेस 10। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है नंबर 3, 4, 5, 7 विद बेस 8। इसको सॉल्व करने के लिए भी आप 3, 4, 5, 7 के लिए 0, 1, 2, 3 यानी राइट हैंड साइड से पावर लगा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 0। 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 8 को आपस में 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64, तो 64 को अब दोबारा आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 32 8 6 48 49 50 51 512 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 वन ज़ा 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि पावर 0 है। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 512 के साथ, तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 5 8 ज़ा 40, 7 1 ज़ा 7, सबको प्लस करेंगे 1 5 3 6, 2 5 6, 40 एंड 7, 6 प्लस 6 प्लस 7 19 होगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 5 6 7 8 एंड 1 1 8 3 9 विद बेस आपने कन्वर्ट किया है बेस 10 में, तो 1 8 3 9 आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसी का तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 7 6 7, राइट हैंड साइड से आप इसके पावर्स लगा देंगे। अब आपने करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू पावर 0। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 8 को 3 टाइम्स आपने फिर से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 इज 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आपके पास, 8 8 इज 64, 64 8 इज 512। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 8 8 इज 64, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 1 इज 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस पावर 0 इज इक्वल टू 1। 512 1 ज़ा 512, 7 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 64 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1864 से, ओके 448 आपका आंसर आएगा। 6 8 ज़ा 48, 7 1 ज़ा 7, सबको प्लस करना है 512 448 48 and 7 8 plus 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 carry 4 4 8 9 10 11 1 carry 5 plus 5 10 यानी 1 0 1 5 with base 10। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो चुका है।
अब यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके लिए भी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन मजीद समझ में आए। और इसी तरह आपका एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट होता है।